to read from NCRT. So let's see who all have joined in. Good evening, guys. Very warm welcome. मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है एंड सो मेनी स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी जॉइंड इन. हाय एवरीवन, सपना मौर्य, हेलो मंजू बाला. मैम, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को किसी भी बैक्टीरिया में डाल देंगे तो वो अपनी कॉपीज बना लेगा? नहीं मंजू, हर एक एवरी प्लाज्मिड इज नॉट कंपैटिबल विद एवरी बैक्टीरिया, सो इट हैज टू बी अ कंपैटिबल वेक्टर. हाय सपना, आई एम वेरी फाइन. मंजीत, रमीश, योगेश, गिरिजा, काजल, योगेश, डॉक्टर अनाम, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गाइज. जल्दी से शेयर कर दीजिए इसे अपने फ्रेंड्स के साथ सो दैट वी हैव अ बेटर ट्रैफिक इन द क्लास एंड वी कैन हैव अ वेरी गुड डिस्कशन एज वेल. सो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ज्वाइन कीजिए. आज बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन भी लेना है हमने, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, कुछ पूछना है, तो please ask your friends to join the class quickly. 24 students already joined in. Hello Anjali, Sobhya, Manu, Ramesh, Pyali, Khushbu. Hello everyone. जल्दी से share कर दीजिए इसे अपने friends के साथ. बहुत important chapter है biotechnology and its applications. So overall biotechnology में से 4 से 5 questions हर साल आते हैं. You can go through any paper and you will find that. ठीक है? तो कल हमने पढ़ा था biotechnology के principles and processes and today we are going to read the application part. ठीक है? जल्दी से शेयर कीजिए और मुझे ये भी बताइए. थैंक यू प्याली. इफ यू फाइंडिंग दिस सेशंस इफेक्टिव प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. यू नो द ड्रिल एंड हिट द बेल आइकन. और मुझे बताइए कि कितने स्टूडेंट्स चाहते हैं कि अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, कि रीडिंग अब ना करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाए. लाइक व्हाट डू यू वांट, कि हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करें रीडिंग एनसीईआरटी या फिर इसको छोड़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए जाए? जल्दी से बताइए मुझे. ऑल दिस वॉली चैप्टर्स ओके. हाय अंसारी, अंजलि, डॉक्टर रहमानी. गाइस आई वांट एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन टू बी मेड. हाय डॉक्टर सुहानी, गुड इवनिंग. थैंक यू यासिर. तो योगेश ने बताया है अभी कि ही वॉन्ट्स कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाए. प्याली सिंह, एनसीईआरटी, अंजलि वॉन्ट्स टू कॉन्टिन्यू. नो प्लीज एनसीईआरटी. खुशबू, नो प्लीज का मतलब क्या है? लाइक व्हाट डू यू वॉन्ट? स्टेटेड वेरी क्लियरली रीडिंग एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर. गुड इवनिंग डॉक्टर निखिल, हेलो. ह्यूमन फिजियोलॉजी करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ओके, दैट इज अनदर गुड थॉट. गुड इवनिंग स्वाति. क्वेश्चंस अभी तक ज्यादातर स्टूडेंट्स एनसीईआरटी की रीड करना कह रहे हैं. ऑल राइट वी वांट बोथ. डॉक्टर जुप्ता, यू वांट बोथ? ऑल राइट. ह्यूमन फिजियोलॉजी खत्म करके फिर प्रीवियस ईयर, वेल थॉट ऑफ. सो यस वी कैन कंटिन्यू विद द सेम कि हम इस हफ्ते पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी खत्म करें एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स जिसमें कि लास्ट 10 डेज रह जाएंगे तो वी कैन जस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस. विल दैट बी फाइन? अलग सेशन ले लीजिए खुशबू. ऑल राइट, एनसीईआरटी रीडिंग कंटिन्यू. ओके गाइस जल्दी से शेयर कीजिए. आई रिमेम्बर द फर्स्ट डे वी स्टार्टेड विद इट, इतना जोश था क्लास में, लाइक देयर वर सो मेनी स्टूडेंट्स, 100+. और मुझे क्यों ऐसा लगा कि यू आर नॉट लाइकिंग इट, बिकॉज बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स कम हो गए हैं. लाइक आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज आई थॉट, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का पर्सनल मैसेज भी आ रहा है कि दे शुड कंटिन्यू, दैट आई शुड कंटिन्यू विद रीडिंग एनसीईआरटी. बट देन देयर इज अनदर लॉट हु वांट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सो यस वी विल बी ब्रिंगिंग दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल. द लास्ट के 10 डेज में हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, दैट्स माई प्रॉमिस. तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डेफिनेटली कंटिन्यू, आई मीन स्टार्ट करेंगे. सो जल्दी से शेयर कर दीजिए इसे अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड चलिए एक इंफॉर्मेशन कि गो प्रेप लाइव लर्निंग ऐप के लिए पे हमारी क्लासेस 8 से 12 चल रही हैं. सो वेयर वी प्रिपेयर यू फॉर JEE, नीट, NTSC एंड वेरियस ओलंपियाड्स. सो स्टार्ट लर्निंग एंड स्टार्ट योर लर्निंग जर्नी विद गो प्रेप ऐप. तो फ्री ऐप है, डाउनलोड कीजिए. एंड देर आर सो मेनी वंडरफुल सेशंस गोइंग ऑन इवन आजकल लास्ट के फ्यू डेज के लिए. सो यू शुड डेफिनेटली डाउनलोड एंड अटेंड दोज लेक्चर्स. करवाओगे अब वापस आ जाएंगे. ऑल राइट, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं. ऑल राइट चलिए. सो गो प्रेप ने GTSE दोबारा से स्टार्ट किया है, सो प्लीज गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड.
शेयर दिस विद योर जूनियर्स विद योर यंगर सिबलिंग्स. ठीक है, 2 करोड़ का स्कॉलरशिप पूल है जिसमें कि 10 लाख तक के प्राइजेस दिए गए हैं. एंड वी हैव स्टार्टेड दिस वंस अगेन. डेट्स हैं 29th एंड 30th ऑफ ऑगस्ट. तो गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड फॉर फ्री. एंड दिस इज फॉर क्लास 8 से 12th तक एंड इवन फॉर 12th पास. सो आप भी इसे दे सकते हैं. सो वी आर इन सर्च फॉर इंडियाज 1000 सुपर स्टूडेंट्स. ठीक है, और हर शाम को 5 बजे ऐप पे होती है एक क्लास जिसमें कि 10 जीनियसेस आर अलाउड अनाउंस्ड एंड विनर्स विल गेट कैश प्राइजेस वर्थ 1 लाख एवरी मंथ. गाइज, आपका लास्ट मोमेंट आ चुका है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है. तो आई वुड रिकमेंड कि जहाँ जहाँ पे भी आपको क्विज नज़र आ रहा है, ये क्विज आप ज़रूर अटेंड कीजिए. ठीक है, 2 चीज़ें करनी है हमने अब लास्ट मोमेंट पे, एक एनसीईआरटी और दूसरा क्वेश्चंस. ठीक है, कोई और तीसरी चीज़ नहीं कि हम पुरानी बुक्स खोल खोल के पढ़ रहे हैं. डन विद इट. सिर्फ अगर कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, कोई कॉन्सेप्ट वीक रह रहा है, सिर्फ तब तुम अपनी उस बुक पे वापस जाओगे. ऑल राइट गाइज, चलिए आगे चलते हैं. सो यस, अपने जूनियर्स को आपने ये भी बताना है कि क्लास बैच 3 स्टार्ट हो चुका है फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स. 2 ईयर प्रोग्राम हैज ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम यस्टरडे 24th ऑगस्ट. कल हमने फर्स्ट लेक्चर लिया था. सो इफ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, तो वी हैव एक्सपर्ट टीचर्स विद लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस दे विल टेक. एंड एक प्रॉपर स्टडी प्लान में आप प्रिपेयर करेंगे फॉर नीट. ठीक है, DPPs दी जाएंगी हर लेक्चर के बाद. वीकली टेस्ट होंगे, मंथली टेस्ट होंगे एंड इंस्टेंट डाउट रेजोल्यूशन तो आपकी होती ही है. आई थिंक उसमें आपको कोई डाउट नहीं है. तो जब YouTube पे और हम ऐप पे आपके हर डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो इन स्ट्रक्चर्ड प्रेपरेशंस में, इन लाइव क्लासेस में, तो बहुत ही और डिटेलिंग पे जाते हैं हम और एक एक स्टूडेंट को प्रॉपर अटेंशन दी जाती है. प्याली सेज यू कैन सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस योरसेल्फ, प्लीज कवर ऑल द जूलॉजी चैप्टर्स. ऑल राइट प्याली, आई जस्ट होप दैट मैक्सिमम ऑफ यू हैव अ सिमिलर थॉट. बट डोंट वरी, वी विल बी कंप्लीटिंग द ह्यूमन फिजियोलॉजी फॉर श्योर एंड उसके बाद फिर हम चलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. और स्टार्ट करने से पहले एक लास्ट इंफॉर्मेशन कि सब्सक्रिप्शन लेने से पहले अगर आप मिनी कोर्स ज्वाइन करके देखना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर दैट इट कैन बी ज्वाइंड एट जस्ट ₹99. और संजीव सर, ही इज़ एन ITian फ्रॉम बॉम्बे एंड ही विल बी एक्सप्लेनिंग दिस चैप्टर कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स इन ओनली 5 डेज. तो इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि किस तरह से हम काम करते हैं एक साथ फॉर ड्यूरिंग आर नीट जर्नी. चले सो लेट्स स्टार्ट विद इट. ऑल राइट गाइज, कोई अब नहीं सोचेगा कि पेपर पोस्टपोन हो रहा है या नहीं हो रहा. प्लीज कीप वर्किंग फॉर 13th ऑफ सेप्टेम्बर. ठीक है, बहुत सारे बच्चे बस इसी कश्मकश में रह जाएंगे और जद्दोजहद में लगे रहेंगे कि पेपर पोस्टपोन हो जाए और पेपर आ जाएगा. सो प्लीज कीप योर काम. ठीक है, बहुत मेहनत की है, डरो मत एंड जस्ट गो फॉर इट. टेक प्रिकॉशंस, वायरस इज नॉट गोइंग एनीवेयर बट वी हैव टू फाइंड अ वे ऑफ लिविंग थ्रू इट. ठीक है, सो टेक प्रिकॉशंस एंड गो फॉर इट. गवर्नमेंट भी ध्यान रखेगी. चले ऑन दिस पॉजिटिव नोट, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी. एज यू वुड हैव लर्न्ड फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर, एसेंशियली डील्स विद द इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स यूजिंग द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स. एप्लीकेशंस इंक्लूड थेरेपेटिक्स में, मेडिसिन में, डायग्नोस्टिक्स में, GMOs फॉर एग्रीकल्चर, प्रोसेस्ड फूड्स में, बायो रेमिडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन. जो क्रिटिकल रिसर्च एरियाज हैं, वो फर्स्ट हैं प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली माइक्रोब और प्योर एंजाइम, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर इंजीनियरिंग एंड डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेसेस. लेट अस नाउ लर्न हाउ ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन यूज्ड बायोटेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द क्वालिटी, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड हेल्थ. तो जो एप्लीकेशंस एग्रीकल्चर में देखी गई हैं, वो 3 ऑप्शंस हैं, याद रखनी है. एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ये 3 ऑप्शंस कैन बी थॉट फॉर इंक्रीजिंग द फूड प्रोडक्शन. तो फूड प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज किया गया, फर्स्ट एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर यूज करके, यानी जिसमें कि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं. तो एक क्विज में मैंने क्वेश्चन भी दिया था, तो वहां पे भी था कि व्हाट इज एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर. केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का यूज ज्यादा होता है इसमें. ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जिसमें कि ऑर्गेनिक मैटर विल बी यूज्ड एंड जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर. तो 3 तरह से हम फूड प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं.
ग्रीन रेवोल्यूशन सबको पता होना चाहिए कि ग्रीन रेवोल्यूशन इज ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई, बट येट इट वॉज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग पॉपुलेशन. इंक्रीज द यील्ड्स हैव बीन पार्टली ड्यू टू द यूज ऑफ इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज, बट मेनली ड्यू टू द यूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड ज्यादा यूज किए गए थे. लेकिन फार्मर्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड एग्रोकेमिकल्स वर टू एक्सपेंसिव. तो ये आ गई इसकी डिसएडवांटेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन की बहुत सारे फार्मर्स के पास इतनी इकोनॉमी नहीं थी कि वो इतने एक्सपेंसिव एग्रोकेमिकल्स यूज कर सकते. फर्दर इंक्रीजिंग द यील्ड एंड एग्जिस्टिंग वेराइटीज आर नॉट पॉसिबल यूजिंग द कन्वेंशनल ब्रीडिंग. तो नॉर्मल ब्रीडिंग जो ब्रीडिंग मेथड्स हैं उनसे इन क्रॉप्स को ऑब्टेन नहीं किया जा सकता था. प्लस ये जो केमिकल्स यूज हो रहे थे दे वर नॉट डिग्रेडेबल, दे वर नॉट बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, और बहुत सारा पॉल्यूशन कॉज कर रहे थे. इज देयर एन ऑल्टरनेटिव पाथवे? तो ऑल्टरनेटिव पाथवे क्या है? यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इज द पॉसिबल सॉल्यूशन. चलिए थर्स्ट्री, द क्लास इज बायलिंगुअल, सो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू एंजॉय इट एंड अंडरस्टैंड. ऑल राइट, ग्रीन रेवोल्यूशन डॉक्टर सुहानी वॉज स्टार्टेड बाय नॉर्मन ई बोरलॉग. नॉर्मन ई बोरलॉग इज अ फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, बट ही स्टार्टेड इट इन मेक्सिको. इंडिया में इसको लेके आए थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन. सो ही इज अ फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, एम एस स्वामीनाथन. तो ये नाम याद रखने हैं. इसी तरह से व्हाइट रेवोल्यूशन भी है, दैट इज फॉर मिल्क प्रोडक्शन. ब्लू इज फॉर फिशरीज, ठीक है जी. ऑल राइट, all right Sam, why would you fail? And then even if you have to study zoology, it's beautiful, go ahead. In India it was M.S. Swaminathan. Now plants, bacteria, fungi, animals whose genes have been altered or manipulation ki gayi hai kisi ke andar bhi, that is called GMO. GM plants have been useful in many ways. Genetic modification has made these are the objectives and made the crops more tolerant to the abiotic stresses, means cold and drought and salt and heat conditions do not destroy them. Reduced reliance on the pesticides, reduced post-harvest losses, means post-harvest mein fungal infection, your rodents vagera unko destroy nahi kar payenge. Increased efficiency of mineral usage by the plants, and then enhanced nutritional value of the food. Very important example is vitamin A enriched rice, that is known as golden rice. Very, very important. So golden rice has been used to cover up the vitamin A deficiency. और vitamin A deficiency से होती है night blindness. तो night blindness को भी correct करने के लिए दिया गया use किया जाता है golden rice. Expected questions 2020 के लिए बताइए. Nalini Prava, all right, you've given me a very good idea. ठीक है, very soon I'll be bringing a session जिसमें कि हम important questions discuss करेंगे. ठीक है, as I have said already कि फर्स्ट ऑनवर्ड्स, ठीक है, नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स लास्ट के जो 10 days रह जाएंगे उसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं. ऑल राइट, चले मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. इन एडिशन, ठीक है, जीएम हैज बीन यूज्ड टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट्स टू सप्लाई ऑल्टरनेटिव सोर्सेज टू द टेलर मेड प्लांट्स एंड टू सप्लाई द ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज टू इंडस्ट्रीज टू फॉर्म स्टार्चेस, फ्यूल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स. Some of the applications of biotechnology in agriculture that you will study in detail is the pest resistant plants banaye gaye hain, jaise ki jiske andar BT toxin has been introduced. Now they decrease the amount of pesticide because this BT toxin produced by the bacterium ka naam yaad hona chahiye, Bacillus thuringiensis, BT is for short. Now BT toxin gene has been cloned from the bacteria and expressed in the plants to provide the resistance to insects without the need for insecticides, in effect created a biopesticide. So guys, you have to underline these lines side by side with me, ठीक है, और जो points बता रही हूँ साथ के साथ लिखते जाएंगे. Now examples, ये BT की कौन कौन सी examples हैं? So very important examples are BT cotton, BT corn, rice, tomato, potato, soybean, clear? इसी तरह से BT maize भी है, BT brinjal भी है, but इनमें से जो अभी मार्केट में ऑलरेडी ग्रो हो रही है दैट इज बीटी कॉटन. क्लियर? नो, व्हाट इज बीटी कॉटन? तो बीटी कॉटन इज अ क्रॉप विच कंटेन्स द बीटी प्रोड्यूसिंग जीन. ठीक है, बीटी इज अ बैक्टीरिया. सो बैक्टीरिया के अंदर से एक जीन निकाला गया है, तो जिस भी क्रॉप के अंदर वो जीन प्रेजेंट है दैट इज अ बीटी क्रॉप.
some strains of Bacillus thuringiensis produce proteins that kill certain insects like lepidopterans. So कौन से order को destroy करती हैं? Lepidopterans को, जिसमें कि tobacco budworm and army worm आएगा. Now these are important things. और coleopterans पे act करेंगी, which include beetles. Dipterans is the order flies and mosquitoes. इन सारे orders पे वो act करता है. तो very important. सीधा सीधा question बनता है, which of the following order of insects is not affected? तो आपको तीन orders दे रखे हैं, lepidopterans, coleopterans and dipterans पे action होगा और किसी पे नहीं होगा. So very important. All right. So Bacillus thuringiensis forms, ये जो bacteria है ऐसा protein produce करेगा, protein crystals, जो कि toxic in nature होगा. These crystals contain a toxic insecticidal protein. Why does this toxin, question here, why does this toxin not kill the bacillus? So bacteria को क्यों नहीं kill करता? Because actually that toxin exists in the inactive prototoxin form. Inactive form में होता है. But once the insect ingests the inactive toxin, it converted into the active form due to the alkaline pH of the gut. तो gut के अंदर जाते ही active हो जाएगा and it will destroy the mid gut के epithelial cells. Activated toxin will destroy the surface of mid gut epithelial cells and create pores and cause lysis and eventually death of the insect. So specific BT toxin were isolated from BT Bacillus thuringiensis. ठीक है, तो कौन कौन से genes extract किए गए थे? तो जो BT है, that is Bacillus thuringiensis, इसके अंदर एक gene होता है cry gene. और ये cry gene जो है, सॉरी ये स्मॉल सी से रहेगा, ठीक है, ये जो क्राय जीन है ये प्रोड्यूस करता है क्राय प्रोटीन. नाउ गाइस यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, ये स्मॉल लेटर है, स्मॉल सी है, दिस इज कैपिटल सी. सो समटाइम्स यू आर गिवन द क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्राय एंड क्राय. सो कैपिटल वाला इज प्रोटीन एंड स्मॉल लेटर वाला इज अ जीन, ठीक है जी. एंड क्राय वर्ड कम्स फ्रॉम क्रिस्टलाइन बिकॉज द प्रोटीन इज क्रिस्टलाइन इन नेचर. So the BT toxins are insect group specific. किस पे effect करेगा? तो कौन, तो gene का नाम क्या है? देखिए small letter से gene. और इसके अलग अलग types present है, जैसे cry1ac and cry2ab. They are going to control or they'll be effective against cotton ball worms, while 1ab is effective against corn borer. Very very important. All right. We ask him please expect the. Yes, Dr. Emani, I have understood your question very well. We'll be doing that as well in the coming lectures. Okay? How many questions we can expect? Nazrana, I have already said that every year this chapter mein se 4 to 5 questions aaye hi hain. Okay? So overall biotechnology mein se overall 4 to 5 questions hamesha aate hain. So that is the importance of the chapter. Aur kabhi bhi kisi bhi chapter ki importance dekhni ho to previous years देख सकते हैं. क्राय इज अ प्रोटीन एंड स्मॉल सी क्राय वाला इज अ जीन. एग्जैक्टली. चलिए, तो ये आपको फिगर भी याद हो कि दिस फिगर इज शोइंग द कॉटन बॉल वर्म. तो देखिए कैसे कॉटन बॉल को अफेक्ट किया हुआ है, डिस्ट्रॉयड बाय द बॉल वर्म्स, एंड एक है फुल्ली मेच्योर कॉटन बॉल. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट. अ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट एक नीमाटोड्स है. नीमाटोड्स आर द राउंड वर्म्स जो कि कई पैरासिटाइज करते हैं, यानी पैरासाइट्स की तरह एक्ट करेंगे on plants and animals and even including human beings. So हमारे ऊपर तो human इनका इफेक्ट क्या होता है हम देख ही चुके हैं. राउंडवर्म्स, एस्कैरिस का इफेक्ट आप पढ़ते हो, इट कॉजेज डिजीजेज लाइक एस्कैरियसिस. वुचरीरिया का आपको पता है, इट कॉजेज फिलेरियसिस. बट इसी तरह से कुछ जो राउंडवर्म्स हैं वो प्लांट्स को भी डिस्ट्रॉय करते हैं. राइट, ऑल राइट. तो ऐसा ही एक नीमाटोड है जिसका नाम आपको याद रखना है, मिलॉयडिंग इनकॉग्निशिया. इट इन्फेक्ट्स द रूट्स ऑफ द टोबैको प्लांट एंड कॉजेज ग्रेट रिडक्शन इन द यील्ड. अब हमने इससे बचाव का क्या तरीका ढूंढा है? तो वी हैव यूज द टेक्नोलॉजी, द टेक्निक ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस. इसको आरएनए आई की तरह लिखते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस. सो व्हाट इज दिस टेक्निक? दिस इज बेसिकली, अब किसको ख्याल आया कि आरएनए इंटरफेरेंस की टेक्निक बनाते हैं? ये टेक्निक बेसिकली हर यूकैरियोटिक सेल के अंदर नेचुरली प्रोसेस ये चलती है. हमने वहीं से इंस्पायर होके एक टेक्निक यूज की है. सो सी, आरएनए टेक्स प्लेस इन ऑल द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एज अ मेथड ऑफ सेल्फ डिफेंस. तो इस सब टेक्निक हमारे ही अंदर चल रही है और इसी को हमने यूज करके पैरासाइट्स को डिस्ट्रॉय किया. दिस मेथड इन्वॉल्व्स, इसमें होना क्या, साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए होनी है ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स टू एंड प्रिवेंट्स द ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए.
The source of this complementary RNA could be from the infection by viruses having RNA or mobile genetic elements that replicate via an RNA intermediate. You know, using agrobacterium vectors, nematode genes were introduced into the host cell. तो कल भी हमने पढ़ा था कि वेक्टर्स कौन कौन से यूज होते हैं. तो एनिमल्स के लिए जो वेक्टर यूज होता है दैट इज रेट्रोवायरस, और प्लांट्स के लिए जो वेक्टर फेवरेबल है दैट इज एग्रोबैक्टीरियम. तो ये नीमाटोड स्पेसिफिक जीन्स इस तरह से इंट्रोड्यूस किए गए इनटू द होस्ट सेल. होस्ट सेल क्या है? टोबैको प्लांट. तो इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वॉज सच दैट इट प्रोड्यूस. तो होगा क्या, देखिए सिंपल सी टेक्निक है. mRNA should be single stranded ताकि tRNA आके उसके साथ बाइंड कर सके. Now in this process what are we going to do? We are going to interfere the translation. We are going to interfere with mRNA. So the mRNA which should be single stranded so that tRNA can come and bind to it and translation could happen, we are going to interfere that process by making the mRNA double stranded. So if mRNA is double stranded, tRNA cannot bind to it. Right? And what would happen? Translation will be interfered, it will be inhibited. तो हमने basically mRNA और mRNA को double stranded बना देना है, double stranded RNA, ताकि जो DNA होगा, so introduction of DNA ऐसी होगी कि वो both sense and antisense RNA बनाएगा in the host, and the two RNAs are complementary, and so they become double stranded RNA and initiated the RNA interference. So mRNA interfere हो जाएगा, thus silencing the specific mRNA and of the nematode. The consequence would be the parasite could not survive in the transgenic host, apne aapko express nahi kar payega, and transgenic plant therefore gets protected from the parasite. So this is the figure. Is a figure mein roots of the typical control plants, yani ki bilkul normal plant hai. This is a normal plant, aur ye plant hai which is infested by the nematode. Infested by nematode. All right, chale. RNA interference does not take place in prokaryotic cell. No, Shivraj, RNA interference does not occur in the prokaryote cells. This is a mechanism of cell defense. जैसे हमारी body का immune system है, ऐसे cell का जो immune system है वो ऐसा है, ठीक है? What is tDNA? Dr. Dilshad, tDNA हमने कल पढ़ा था. तो tDNA is the tumor inducing, tiDNA होता है particularly. तो ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए होता है जो कि एग्रोबैक्टीरियम के अंदर पाया जाता है. तो इस एग्रोबैक्टीरियम की इन्फेक्शन से वैसे गॉल फॉर्मेशन शुरू होती है, यानी कि कैंसर ट्यूमर जैसी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है. बट हम इस एग्रोबैक्टीरियम को मॉडिफाई करते हैं सो दैट इट कैन बी यूज्ड एज अ वेक्टर एंड इट इज हार्मलेस टू द प्लांट, बट स्टिल इट कैन हेल्प इन द रेप्लिकेशन ऑफ द एलियन डीएनए. ऑल राइट, ट्यूमर इंड्यूस्ड डीएनए, यस. बुशरा हैव जस्ट एक्सप्लेन कि आरएनए इंटरफेरेंस जो है वो नीमाटोड का जो एमआरएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा, ठीक है? तो नीमाटोड कैन नॉट सर्वाइव इनसाइड. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द एप्लीकेशंस इन मेडिसिन. मेडिसिन के अंदर देखिए कैसे इसके एप्लीकेशंस हैं. तो इफेक्टिव थेरेप्यूटिक ड्रग्स बनाने में हेल्प करेगा. सो रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज एज दे आर कॉमन इन द सिमिलर प्रोडक्ट्स आइसोलेटेड फ्रॉम द नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज. यहाँ पे बात हो रही है, जैसे हमने सुना होगा कि इंसुलिन, आज तो जैसे इंसुलिन इंजेक्शन अवेलेबल है, ये इंसुलिन बिल्कुल ह्यूमन इंसुलिन है, वी कॉल इट ह्यूमलिन एज वेल, क्लियर? बट इन अर्लियर डेज वेन दिस टेक्निक वॉज नॉट अवेलेबल टू ऑब्टेन द ह्यूमन इंसुलिन, At that time, pig का insulin was extracted. We used to call it pigulin. तो वो non-human source था. Now this pigulin used to create allergic or cause allergic reactions, right? But at present, about 30 recombinant therapeutics have been approved for human use in India. Around 12 of these are being marketed. Clear? Now genetically engineered insulin पे आ जाते हैं. See, management of adult onset diabetes is possible by taking insulin at regular intervals. What would a diabetic patient do if enough human insulin was not available? तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी. So if you discuss this, you would soon realize that one would have to isolate and use insulin from other animals, है ना? तो यही किया जा रहा था, जैसे कि pig से. तो पहले pigulin लिया जाता था. तो ये pigulin used to create allergic reactions. एलर्जी कॉज करने लगा.
So would the insulin isolated from other animals be just as effective that secreted the human body, and would it not elicit an immune response? So no, it will not be that effective, and it will elicit immune response like allergies. So now imagine if bacteria were available that could make human insulin. Suddenly the whole process becomes so simple. You can easily grow a large quantity of bacteria and make as much insulin as you need. Think about whether insulin can be orally administered to diabetic people or not. What do you think? Can we take it orally? Answer is no, because insulin is a protein. It is a protein hormone. Aur jaise baaki proteins digest honge, so this protein will also be digested by the enzymes found in our stomach and in our intestines. So isliye insulin ko hum orally nahi le sakte. It has to be injected into the blood. Yes, Nalini Prava, it was Eli Lilly and Vaslin in India, the two companies manufacturing Humulin. Perfect. All right. Insulin is a protein. Exactly, it is. All right. Moving on to next. So, insulin used for diabetes was earlier extracted from the pancreas of slaughtered cattle and pigs, as I told you. So, insulin from an animal source that caused some patients to develop allergies hone lagi and other types of reactions to the foreign protein. Now listen, insulin, very important. Insulin is a protein which is made up of two short polypeptide chains, or two chains hoti A and B, which are linked together by disulfide bonds. Clear? Now in mammals, including humans, insulin is synthesized as a pro-hormone. So pehle ye banta hai in the form of pro-insulin. Clear? Then what would happen? The pro-hormone needs to be processed before it becomes fully mature and functional hormone. और मैच्योरेशन के दौरान क्या होगा? इट कंटेन्स एक्स्ट्रा स्ट्रेच सी पेप्टाइड विच इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन एंड इज रिमूव्ड ड्यूरिंग द मैच्योरेशन. नाउ सी हियर इन द फिगर यू कैन सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रो इंसुलिन. सो देर आर थ्री चेन्स. दिस इज ए, दिस इज बी एंड इन बिटवीन दिस इज सी. सो ड्यूरिंग मैच्योरेशन जो सी चेन है दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड. तो ये जो दो चेन्स हैं दे आर connected by disulfide bonds or C chain is removed. Now this is how insulin is formed in our body. Now the main challenge for the production of insulin during our DNA techniques was getting insulin assembled. So this was the challenge. Challenge was to get the insulin two polypeptide chains to be assembled. So 83 mein Eli Lilly, the American company, prepared two DNA sequences corresponding to A and B chains of human insulin and introduced them in plasmids of E. coli to produce insulin chains. Chain A and B were produced separately and extracted and combined by creating disulfide bonds to form the human insulin. Clear? So this whole topic is super duper important. So jaldi se share kar dijiye ise, like kar dijiye. I need as much likes as there are students. And all right, let's continue. Yes, B and C peptide chains are present in insulin. Could you tell something extra? Rajat, yes, we have so many things to tell you, but this lecture is precisely for NCRT. ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट चीजें होंगी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी, लेकिन यहां से कुछ भी एक्स्ट्रा आने की जरूरत या करने की जरूरत नहीं है. फ्रॉम विच सेल ह्यूमन इंसुलिन इज आइसोलेटेड? Bushra, now every cell contains all the 46 chromosomes, means all the genes, right? But then certain genes are active in a specific cell and inactive in the other. क्योंकि इनको आप नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स बोलते हो, है ना? तो पेंक्रियाज के अंदर ये जीन एक्टिव होगा और स्किन के अंदर एक्टिव नहीं होगा, बट इट इज फाउंड इन ईच एंड एवरी सेल. तो आप किसी भी सेल से ह्यूमन प्रोड्यूस ह्यूमुलिन बनाने वाला यानी इंसुलिन बनाने वाला जीन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. ये पूछा जा सकता है क्यों नहीं डॉक्टर सुहानी, अगर दिया हुआ है तो वाई टू टेक चांस? एनसीईआरटी की हर एक चीज को हम बहुत अच्छी तरह से लेंगे. यस, इंसुलिन इज इंजेक्टेड इन द एब्डोमेन सो दैट इट इज क्विकली एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, इनटू द ब्लड. नाउ जेनेटिक थेरेपी पे आते हैं. जेनेटिक थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट. इफ अ पर्सन इज बॉर्न विद अ हेरिडिटरी डिजीज, कैन अ करेक्टिव थेरेपी बी टेकन फॉर सच अ डिजीज? नो. हेरिडिटरी डिजीजेस के लिए करेक्टिव थेरेपीज डू नॉट वर्क. सो द ओनली परमानेंट क्योर इज जीन थेरेपी. Is an attempt to do this. It is a collection of methods that allow correction of gene defect that has been diagnosed in the child or an embryo.
आज की स्टेज में अगर कोई जेनेटिक डिजीज है उसको रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि जीन थेरेपी में जीन ऑल्टरेशन होनी है विच इज फाउंड इन सो मेनी सेल्स, राइट? तो सिंस द बॉडी इज मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, तो आज एक एक जीन को, सॉरी, एक एक सेल को हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ओके चक्रपाणि, हाउ टू स्कोर अबव 300, ये आई हैव ऑलरेडी टेकन अ स्पेशल बैच, ठीक है, कि हाउ टू स्कोर 360 प्लस 360, यू शुड अटेंड दैट लेक्चर। तो बहुत जल्द एक लास्ट डेज में कैसे आपकी तैयारी होनी चाहिए इस पे भी हम सेशन रख लेंगे। सो वेरी सून आई विल बी ब्रिंगिंग दैट टू, कि लास्ट 10 डेज में आपकी क्या प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। बट 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स कैसे आते हैं, आई हैव ऑलरेडी टेकन अ सेशन, प्लीज डू अटेंड दैट एंड आई होप यू विल फाइंड इट यूजफुल। एनसीईआरटी पढ़ो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, डॉक्टर असिका सुल्ताना, परफेक्ट। तो लास्ट मोमेंट पे, तो यहाँ पे सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, एग्जाम्पलर करनी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और एनसीईआरटी पढ़ने का जो टाइम है वो है हर रोज रात 8 बजे मेरे साथ। चलिए, जीन्स आर इंसर्टेड इन द पर्सन सेल्स एंड टिश्यूज। सी, जीन्स को इंसर्ट करेंगे पर्सन सेल्स एंड टिश्यूज टू ट्रीट द डिजीज। नाउ करेक्शन ऑफ अ जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व्स द डिलीवरी ऑफ नॉर्मल जीन इनटू द इंडिविजुअल टू टेक ओवर द फंक्शन एंड कॉम्पनसेट फॉर द नॉन फंक्शनल जीन। तो जीन अगर डिफेक्टिव है तो हमने उस जीन के अंदर अपने सेल के अंदर नॉर्मल जीन इंसर्ट करना है ताकि नॉर्मल काम हो सके और नॉन फंक्शनल जीन को कॉम्पनसेट किया जा सके। अब इसका स्पेशल फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी जो फर्स्ट केस था, दैट वाज इन 1990, 4 ईयर ओल्ड गर्ल का हु वाज सफरिंग फ्रॉम एडीए डेफिशिएंसी। एडीए डेफिशिएंसी वुड लीड टू अ डिजीज कॉल्ड स्किड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। सो दैट मूवी द स्काई इज पिंक, राइट? सो इट वॉज बेस्ड ऑन दिस डिजीज। So ADA deficiency. Now this ADA, adenosine deaminase, this enzyme is crucial. See, enzyme is crucial for the immune system to function because it helps in the maturation of lymphocytes. तो lymphocyte B lymphocyte में mature होगा या T में mature होगा, उन दोनों की maturation के लिए we require this enzyme. It is caused due to the deletion of the gene for adenosine deaminase. And in some ADA deficiency, अब ये cure कौन कौन से available हैं? Cured by number one, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, और दूसरों में क्योर किया जाता है बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी इन विच फंक्शनल एडीए इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन। बट प्रॉब्लम दोनों के ही अंदर, इट इज नॉट कम्प्लीटली क्योरेटिव, ये लाइन है इंपॉर्टेंट। सो कोई भी ये जो मेथड्स हैं, ये दोनों करेक्टिव थेरेपीज हैं, दे आर नॉट द अल्टीमेट क्योर्स। तो फर्स्ट स्टेप जो है जीन थेरेपी, ये ही हमें परमानेंट क्योर प्रोवाइड करवा सकता है। सो जीन थेरेपी में लिम्फोसाइट्स फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट आर ग्रोन इन द कल्चर आउटसाइड। नाउ दिस होल पैराग्राफ इज इम्पॉर्टेंट, और हमने एक क्विज भी कंडक्ट किया था बायोटेक्नोलॉजी पे। तो गाइज, दैट क्विज एक क्वेश्चन था, आई विल ब्रिंग दैट क्वेश्चन वंस अगेन फॉर यू जैसे ही हम क्वेश्चंस वाला राउंड शुरू करते हैं, कि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है इसको आपको ऑर्डर में अरेंज करना है। व्हाट आर द स्टेप्स दैट विल बी टेकन ड्यूरिंग द जीन थेरेपी, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड द प्रोसेस। एट एन अर्ली स्टेज ओनली इट इज कम्प्लीटली क्यूरेटिव, एग्जैक्टली डॉक्टर सुहानी, लेकिन ये अर्ली स्टेज पे भी जीन थेरेपी की जानी चाहिए। सो जीन थेरेपी में क्या किया जाएगा, लिम्फोसाइट्स फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट आर ग्रोन इन द कल्चर आउटसाइड, फंक्शनल, दिस इज स्टेप वन ए, देन फंक्शनल एडीए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यूजिंग द रेट्रोवायरल वेक्टर। तो वेक्टर कौन सा यूज कर रहे हैं, रेट्रोवायरस, हमने अभी पढ़ा एनिमल्स में रेट्रोवायरस, प्लांट्स के केस में एग्रोबैक्टीरियम। सो इज देन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द लिम्फोसाइट्स, और उसके बाद थर्ड सी स्टेप क्या होगा, इट इज रिटर्न्ड टू द पेशेंट। देन सिंस द सेल्स आर नॉट इमॉर्टल, द पेशेंट रिक्वायर्स दिस पीरियोडिक इन्फ्यूजन अगेन एंड अगेन। बट अगर हम इन सेल्स को, जीन्स को आइसोलेट करें फ्रॉम द मैरो सेल्स एंड प्रोड्यूसिंग एडीए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, इट विल बी अ परमानेंट क्योर। सो परमानेंट क्योर क्या होगा, कि अर्ली स्टेज पे ही उसके बोन मैरो सेल्स को निकाल के उसके अंदर नॉर्मल जीन इंट्रोड्यूस किया जाए। ऑल राइट, वाई नॉट डायरेक्टली इंटू द ब्लड, तो वही डॉक्टर रहमानी बात हो रही है कि ये जो डायरेक्टली इनटू द ब्लड हमने स्टेप्स फॉलो किए हैं इन केस ऑफ बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट में और एंजाइम रिप्लेसमेंट में डायरेक्ट ट्रांस इसलिए नहीं कर सकते इनटू द ब्लड, क्योंकि ब्लड के अंदर हमें, ब्लड के अंदर वो नहीं चाहिए, हमें वो लिम्फोसाइट के अंदर चाहिए जीन, ताकि वो जीन अंदर से प्रोटीन प्रोड्यूस करे और सेल कैन मेच्योर इनटू बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट।
External usage of enzyme would not help in maturation of the lymphocytes. चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, मॉलिकुलर डायग्नोसिस. ना मॉलिकुलर डायग्नोसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये हेल्प करता है टू डायग्नोस द डिजीज इन ए सिम्टोमैटिक स्टेज. देखिए बीमारी का हमें पता लगता है जब सिम्टम्स अपियर होते हैं, लेकिन जब तक सिम्टम्स अपियर होते हैं ना तब तक पैथोजन अंदर बहुत डैमेज कर चुका होता है. लेकिन यह मॉलिकुलर डायग्नोसिस की जो टेक्निक्स हैं दे हेल्प अस इन फाइंडिंग और डायग्नोसिंग द डिजीज इन ए सिम्टोमैटिक स्टेज. दैट मीन्स एट वेरी अर्ली स्टेज. सो अर्ली diagnosis means effective treatment. So you know that for effective treatment, early diagnosis and understanding of its pathophysiology is very important. So using the conventional methods of diagnosis, serum and urine analysis, early detection is not possible by these methods. So recombinant DNA technology, PCR and ELISA. See, we have three methods. One is rDNA technology, second is PCR, kal humne padhe the methods, and ELISA. Ye teen methods diye hue hain. There are some of the techniques that serve the purpose for early diagnosis. So, kya kiya jayega? Presence of pathogen, bacteria or viruses is normally suspected only when the pathogen has produced a disease symptom. Hai na? Otherwise, we don't even bother ki hume koi disease ho rahi hai. So, by this time, the concentration of pathogen is already very high. Jab disease symptom hoga, it is already very high in the body. So, low concentration of bacteria and virus at the time when the symptoms of the disease are not yet visible, means asymptomatic stage, can be detected by amplification of nucleic acid by PCR. That is what we do in RT-PCR, jo ki COVID ka test hai. To agar symptoms nahi bhi appear hote, tab bhi test aayega. So can you explain how PCR can detect very low amounts of DNA? Yes, we can, because kal humne padha tha ki PCR ki technique se kaise DNA ko amplify kiya ja sakta hai. So PCR is now routinely used to detect. देखिए ये क्वेश्चन है, डिटेक्ट एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट्स. इट इज बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट म्यूटेशंस इन द जीन्स इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट्स आल्सो. पावरफुल टेक्निक है टू आइडेंटिफाई मेनी जेनेटिक डिसऑर्डर्स. ऑल राइट गाइस, 13 सितंबर युद्ध है, बिल्कुल युद्ध है. तो इतना भी युद्ध वाली फीलिंग में मत जाओ, स्टे काम. ठीक है, इट्स अ गुड, इट्स अ नॉर्मल पेपर. सो स्टे काम, नो एंग्जाइटी. कोई डरना नहीं है कि कोविड है तो क्या हो जाएगा. टेक प्रिकॉशंस, कोविड इज नॉट गोइंग एनीवेयर. जस्ट स्टार्ट लर्निंग द वेज टू लिव विद इट, एंड वी नो इट इज पॉसिबल टू लिव विद इट, राइट, जस्ट बाय टेकिंग सम प्रिकॉशंस. मास्क पहनिए, हाइजीन मेंटेन कीजिए. सो ये सारी चीजें हमें फॉलो करनी है, और डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, और गवर्नमेंट भी प्रॉपर स्टेप्स लेगी. सो डू नॉट वरी एंड स्टे काम एंड टेक योर पेपर. ऑल राइट. Now, in a single stranded DNA or RNA tagged with a radioactive molecule is allowed to hybridize to its complementary DNA in a clone of cells followed by detection using autoradiography. तो देखिए, mutated cell को, mutated gene को हम find out कर सकते हैं by autoradiography. और इस gene को find out करने के लिए autoradiography में होता क्या है, हम radioactive molecule बनाते हैं, probe बनाते हैं. Probe means जो कि find out करेगा. तो दिस प्रोब इज गोइंग टू हेल्प अस. और ये प्रोब सिर्फ हाइब्रिडाइज होता है टू द कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, और ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए नॉर्मल जीन होना चाहिए. ठीक है, तो जो देखिए ऑटो रेडियोग्राफी में क्या है, रेडियो एक्टिव प्रोब बनाया जाएगा, यानी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड बनाया जाएगा टू द नॉर्मल जीन. तो ऑब्वियसली क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री टू द नॉर्मल जीन है, तो ये नॉर्मल जीन के साथ जाके बाइंड हो जाएगा. बाइंड होने के बाद क्योंकि ये रेडियो एक्टिव था, तो दिस विल अपियर ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट. ठीक है, फोटोग्राफिक फिल्म पे ये अपियर होगा. बट अगर जीन म्यूटेटेड है, सी द म्यूटेटेड जीन विल हैंस नॉट अपियर ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट. पर अगर वो म्यूटेटेड होगा तो प्रोब उसके साथ बाइंड ही नहीं हो पाएगा. ठीक है, हम प्रोब बना सकते हैं फॉर अ नॉर्मल जीन. म्यूटेशन कहाँ हुई है, किस लेवल की हुई है, वी डोंट नो. तो प्रोब म्यूटेटेड जीन के लिए नहीं बनाया जाता. प्रोब इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द नॉर्मल जीन, एंड प्रोब इज रेडियो एक्टिव. इट विल बाइंड टू द नॉर्मल जीन एंड फॉर्म एंड प्रोड्यूस लाइट. ठीक है, इट विल हाइब्रिडाइज एंड विल अपियर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म. और जो म्यूटेटेड जीन होगा उसके अगेंस्ट ये हाइब्रिडाइज नहीं होगा, एंड द कलर विल नॉट अपियर, एंड प्रोब विल नॉट बी कॉम्प्लीमेंट्री टू द म्यूटेटेड जीन. So this is how it will help us to identify. All right, चलिए क्या अंजलि, क्या possible नहीं हो पाएगा. So ELISA, next is ELISA. तो ये एक step है, ये PCR के बारे बताया गया. Now let's talk about ELISA.
एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे इसका प्रिंसिपल आपको पता हो, दैट इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन और इंटरैक्शन. सो अगर आपके अंदर इन्फेक्शन है और तो एंटीजन भी होगा, एंटीबॉडी भी बनी होगी, तो हम एंटीजन या एंटीबॉडी किसी भी एक को अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं यूजिंग ELISA, तो दैट शोज द डिजीज इज प्रेजेंट. सो इट इज डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन्स लाइक प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडीज सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट द पैथोजन. कोई भी एक चीज को बेस बना के आइडेंटिफाई किया जा सकता है. नेक्स्ट इज ट्रांसजेनिक एनिमल्स, यानी वो एनिमल्स जिनका कि DNA मैनिपुलेट किया गया है. एनिमल्स दैट हैव द DNA मैनिपुलेटेड टू पोजेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा जीन इज कॉल्ड ट्रांसजेनिक एनिमल. जैसे कि सबसे पहले, दिस इज द फर्स्ट GM ट्रांसजेनिक एनिमल टू बी फॉर्म, फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल, दिस इज अ क्वेश्चन. फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल फॉर्म्ड इज ट्रांसजेनिक रैट. देन रैबिट्स भी बनाए गए, पिग्स बनाए गए, शीप, काउ, फिश एंड सो ऑन. तो आपको याद रखना है पिग्स और ये सारे एनिमल्स बनाए गए हैं. ऑल्दो ओवर 95% ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग आर माइस. सो ये देखिए क्वेश्चन आ गया, तो सबसे ज्यादा कौन से हैं और सबसे पहले कौन बनाया गया था, दैट वॉज माइस. वाई आर दीज एनिमल्स बींग प्रोड्यूस्ड एंड कैसे बेनिफिट होता है, लेट्स अंडरस्टैंड. सो फर्स्ट बेनिफिट है इनकी नॉर्मल फिजियोलॉजी या डेवलपमेंट स्टडी करने के लिए. सो अगर हमें अपने किसी भी जीन को स्टडी करना है, देखिए ह्यूमन बींग्स कैन नॉट बी यूज एज एन एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिजम्स, तो अपने जीन की स्टडी को अपने जीन को स्टडी करने के लिए हम अपना जीन इंट्रोड्यूस करते हैं इन एनिमल्स के अंदर. तो इन एनिमल्स को क्या कहा जाएगा, ट्रांसजेनिक एनिमल्स. ऑल राइट, यस अंजलि, सोशल डिस्टेंसिंग हैज टू बी फॉलोड. Transgenic animals can be specially designed to allow the study of how genes are regulated, how they affect the normal functions, uski development, complex factors involved in growth, jaise ki insulin like growth factors. To inko introduce kiya jata hai from the species that form the formation of factor and studying the biological effect that results. Information is obtained about the biological role of the factor in the body. दूसरा, स्टडी ऑफ डिजीज. तो आप किसी भी जीन, म्यूटेटेड जीन से रिलेटेड अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसको भी स्टडी करने के लिए अगेन ह्यूमन बींग्स कैन नॉट बी यूज्ड एज एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिजम्स. तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डिजाइन टू इंक्रीज एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ जीन्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज. ठीक है, तो कौन कौन सी डिजीजेस पढ़ी गई हैं, कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड अल्जाइमर्स. इसी तरह से बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं बहुत सारे. सो द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइक ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन. बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस इज यूज्ड टू ट्रीट एम्फाइसीमा. एम्फाइसीमा इज द, हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में, इट इज अ स्मोकर्स डिजीज. राइट, देन फिनाइल कीटोन्यूरिया के ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस के ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया. 97 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी बनाई गई जिसके मिल्क के अंदर ह्यूमन प्रोटीन प्रेजेंट होता है 2.4 ग्राम पर लीटर. ये डेटा भी याद रखना है कि कितना प्रेजेंट होता है ये प्रोटीन, एंड प्रोटीन का नाम है ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन. सो दीज आर द थिंग्स, प्रोटीन का नाम अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, कितना होगा 2.4 ग्राम पर लीटर, और काउ का नाम है रोजी. सो रोजी काओ के अंदर हमने ह्यूमन का वो जीन इंट्रोड्यूस किया जो कि ये प्रोटीन बना सके. बिल्कुल, ऑल राइट. हाय कशिश नागपाल, सिगरेट स्मोकिंग से होती है एम्फाइसीमा. एग्जैक्टली, ऑल राइट. सो गाइज, यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ठीक है, तो आप उस लिंक पे हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल. और ऑल्सो यू कैन ज्वाइन बायोलॉजी मेड ईजी, दैट इज माई चैनल. तो ईदर वे यू विल बी एबल टू ज्वाइन. चलिए, लेट्स स्टडी. ऑल राइट, सो नेक्स्ट वी विल कॉन्टिन्यू. सो वॉज न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड. अब रोजी काओ के मिल्क की एडवांटेज क्या है, दैट इट इज मोर बैलेंस्ड, इट इज मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज दैन द नेचुरल काउज मिल्क. ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेज इज स्टडिंग द वैक्सीन सेफ्टी. तो ट्रांसजेनिक माइस यूज किए जाते हैं टू स्टडी द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन बिफोर दे आर यूज ऑन ह्यूमंस. ट्रांसजेनिक माइस यूज किया जाएगा जनरली, जैसे कि पोलियो वैक्सीन को भी वैक्सीन की सेफ्टी के लिए भी ट्रांसजेनिक माइस ही यूज किया गया था. देन केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, तो उसकी टॉक्सिसिटी सेफ्टी टेस्टिंग को स्टडी करने के लिए भी ये यूज किया गया. सो ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड टू कैरी द जीन्स दैट मेक देम मोर सेंसिटिव टू द टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैन द नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स. सो दे आर देन एक्सपोज टू द टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड द इफेक्ट स्टडीड. देन द टॉक्सिसिटी टेस्टिंग इन सच एनिमल्स विल अलाउ अस टू ऑब्टेन रिजल्ट्स इन लेस टाइम. ऑल राइट,
चलिए लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एथिकल इश्यूज. तो गाइस जो भी रिसर्च हो रही है वो ह्यूमन रेस के अगेंस्ट ना हो या कोई ऐसी स्पीशीज ना बन जाए कि वो जो नेचुरल इनहेबिटेंट्स हैं हमारे प्लैनेट के उसको इराडिकेट कर दे या एलिमिनेट कर दे. इसलिए एथिकल इश्यूज और ऐसी बॉडीज होनी ज़रूरी हैं जो कि इन रिसर्च पे रेगुलेशन कर सके, इन रिसर्च को रेगुलेट कर सके. सो द मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय ह्यूमन रेस कैन नॉट गो ऑन एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन. सच एथिकल स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट द मोरालिटी ऑफ ऑल द ह्यूमन एक्टिविटीज दैट माइट हेल्प और हार्म द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. गोइंग बियॉन्ड द मोरालिटी द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सच थिंग्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ एनिमल्स कैन बी अनप्रिडिक्टेबल. कई बार हमें पता भी नहीं लगेगा और ऐसे अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट आ सकते हैं विच कैन एक्चुअली कॉस्ट अ लॉट टू अस. कि अगर किसी थोड़ा सा भी फीवर हो गया तो उसे नीट एग्जाम देना चाहिए कि नहीं. मैम प्लीज रिप्लाई रमीश. ऐसे केस में देखिए जितने भी आपके ये डाउट्स हैं वेरी सून वील बी ब्रिंगिंग स्पेशल स्पेशल लेक्चर ऑन दैट, स्पेशल वीडियो ऑन दैट, जिसमें आई विल बी आंसरिंग टू सच क्वेश्चंस. क्योंकि कल भी मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे तो वेरी सून आई विल बी ब्रिंगिंग अ लेक्चर ऑन दैट. सो डोंट वरी, वील आंसर टू योर क्वेश्चंस. वी विल लेट मी फाइंड आउट एंड वी विल ब्रिंग यू द आंसर्स टू ऑल सच क्वेश्चंस. ऑल राइट, डू नॉट वरी, वील बी ब्रिंगिंग सच सेशंस फॉर यू वेरी सून. ऑल राइट, सो क्या आप क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है फॉर द पेपर, किन क्या नॉर्म्स रहेंगे, क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं आपने, वी विल बी एजुकेटिंग यू ऑल अबाउट इट. डू नॉट वरी अबाउट दैट. सो आप अभी सिर्फ अपने पेपर पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, रिवाइज कीजिए, जस्ट कीप काम. ठीक है, कुछ बच्चों को एंग्जाइटी की वजह से जो फीवर हो जाता है तो कैसे इन चीज़ों को हैंडल करना है, वी विल बी ब्रिंगिंग अ स्पेशल सेशन ऑन दैट. सो फिलहाल जस्ट कीप काम. ठीक है, शांत रहो. कुछ एंग्जाइटी एंग्शियस होने की जरूरत नहीं है, एंग्जाइटी की जरूरत नहीं है. इट्स जस्ट अनदर पेपर. ठीक है, जिसके लिए तुमने खूब मेहनत की है और जितना शांत रह के पेपर करोगे उतना अच्छा पेपर होगा, ट्रस्ट मी ऑन दैट. चलिए, सो आपके इन क्वेरीज को हम डेफिनेटली सॉल्व करेंगे इन अ स्पेशल सेशन. ठीक है, सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू डू नॉट मिस ऑन सच सेशंस. सो लास्ट डेज वी आर हियर फॉर यू एंड वी विल बी आंसरिंग एंड सॉल्विंग ऑल योर क्वेरीज. सो कीप पोस्टिंग योर कॉमेंट्स. सो डू लेट अस नो किन किन चीज़ों पे आपको ये लास्ट मोमेंट पे सेशंस चाहिए एंड वी विल केटर टू ऑल योर सजेशंस. ऑल राइट, चलिए, गुड इवनिंग शुभम, हेलो एवरी वन. चलिए, गोइंग बियॉन्ड द मोरालिटी ये हो गया. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की है जिसका नाम है गीक, और ये फुल फॉर्म याद रखनी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो कि डिसीजंस लेती है रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च एंड द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिजम्स फॉर द पब्लिक सर्विसेज. ठीक है, मॉडिफिकेशन एंड यूजेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज एज फूड हैज ऑल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम्स विद पेटेंट्स ग्रांटेड फॉर द सेम. तो पेटेंट्स की क्या प्रॉब्लम है, लेट्स सी. Now there is growing public anger that certain companies are being granted patents for products and technologies that make use of the genetic materials, plants and other. तो patent जैसे copyrights होते हैं, ठीक है, मैंने अगर कोई चीज invention की तो उसका right मेरे पास है, लेकिन हम torrent से pictures download करके देखते हैं, right? तो वो भी क्या है, piracy है. So इसी तरह से बायो प्रोडक्ट्स की भी पायरेसी होती है. तो राइस इज एन इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन, द प्रेजेंस ऑफ विच गोज बैक इन द थाउजेंड्स एंड दे आर एस्टिमेटेड. तो इसकी कितनी वैरायटीज हैं इंडिया में, 2 लाख वैरायटीज. डाइवर्सिटी इन इंडिया इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड. बासमती राइस इज डिस्टिंक्ट फॉर इट्स यूनिक फ्लेवर एंड 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज इंडिया में ही ग्रो की जाती हैं. ठीक है जी. So in 1997, American company got patents on basmati rice through the US patent in the trademark office. Now this allowed the company to sell a new variety of basmati in US. The new variety of basmati has actually been derived from the Indian farmers. Indian basmati was crossed. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि US ने basmati का पेटेंट लेने की कोशिश की थी और वो न्यू वैरायटी बनाई गई थी इंडियन फार्मर्स की वैरायटी को क्रॉस करके. ठीक है जी, विद द सेमी ड्वार्फ वैरायटी. तो पेटेंट वापस इंडिया ने लिया था और ऐसे जो प्लांट्स पे पेटेंट लेने की कोशिश की गई बाय डिफरेंट कंट्रीज वाज टर्मरिक एंड नीम, बट इंडिया वॉन इट बैक. ठीक है जी. अब बायो पायरेसी है क्या, यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय द मल्टीनेशनल कंपनी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न्ड विदाउट कॉम्पनसेटरी पेमेंट. ठीक है,
सो दिस वॉज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट. और इंडियन पार्लियामेंट ने क्लियरली सेकेंड अमेंडमेंट में, इंडियन पेटेंट बिल के अंदर सेकेंड अमेंडमेंट की है, एंड टेकन सच इश्यूज इन टू कंसिडरेशन, इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म्स, इमरजेंसी प्रोविजन्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव. सो दैट इज ऑल फॉर द डे. आई होप यू लाइक इट. सो स्टे फोकस्ड. येस अंजलि, शी इज वेरी राइट. स्टे फोकस्ड, कीप काम एंड कीप स्टडिंग. ठीक है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए. एंड टुमारो आई विल बी बैक विद ह्यूमन फिजियोलॉजी. सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, हिट द बेल आइकन, एंड आई विल बी आंसरिंग टू ऑल योर क्वेरीज. जो भी आपकी शंकाएं हैं कि क्या हो जाएगा तो क्या करेंगे, क्या क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो होंगे, वी विल बी ब्रिंगिंग अ स्पेशल सेशन ऑन दैट. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बींग विद मी. आई विल सी यू टुमारो वंस अगैन एट 5 विद अ मिंटी क्विज. ठीक है, ऑन बायो मॉलिक्यूल्स एंड न्यू मोर सेशंस. और कल 8 बजे हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी. सो शेयर इट, लाइक इट, एंड हिट द बेल आइकन, एंड स्टे ट्यून्ड, एंड स्टडी वेरी वेल. सो कीप सेफ, स्टडी वेल. बाय बाय.